पुलिस को आपने अक्सर कई जगह फूल व हेलमेट देकर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन रेवाड़ी पुलिस ने अपनी चालान बुक भरकर नव वर्ष की शुरुआत की है। वैसे तो हर रोज पुलिस चालान काटती ही है, लेकिन आज रेवाड़ी पुलिस अपने सभी काम छोड़ सड़कों पर नजर आई और धड़ल्ले से लोगों के चालान काटे गए। छोटी छोटी कमियों को भी लेकर वाहन चालकों के हाथ में चालान थमा दिए गए। आज सुबह 9 बजे से ही पुलिस शहर के विभिन्न चौराहों पर चालान काटती नजर आई। इस अभियान को देखते हुए वाहन चालक पतली गलियों से निकलते हुए दिखे। पुलिस इतनी सख्त थी कि मानवता को भी दरकिनार कर दिया। आपको बता दें, पुलिस रोगी वाहन को जल्द रास्ता देने की बात करती है, लेकिन आज पुलिस ने अपने ही नियम कायदों की दरकिनार कर दिया। लेकिन तस्वीरों में आप एक वाहन चालक को गिड़गिड़ाते देख रहे हैं। वह कह रहा है कि उसके वाहन में एक मरीज है और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना है। जब महिला चालक का चालान काटा गया तो उसने अभियान को सही बताते हुए कहा कि हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए होता है, इसलिए दोपहिया वाहन चलाते वक्त इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसे लेकर पुलिस का कहना है कि वो अब दोपहिया वाहन चालकों पर सख्ती करेगी, क्योंकि सड़क हादसों में मरने वाला हर तीसरा चालक दोपहिया वाहन चालक ही है, इसलिए आज वो किसी की भी सिफारिश नहीं मानेगी। हालांकि यातायात पुलिस पूरे वर्ष भर चालान काटने का अभियान चलाती है, लेकिन पटाखा वाली बाइक व पोर्स कॉलोनियों में 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे धड़ल्ले से नियमों को तोड़ रहे हैं, उस पर पुलिस कब तक लगाम लगा पाएगी। अब देखना होगा कि चालान काटने से क्या यातायात नियमों का पालन हो पाएगा। ये हमारी सेफ्टी के लिए आवश्यक है, और जो सरकार ने कानून निकाले हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए निकालते हैं, तो सभी स्कूटी पर या कोई भी वाहन चलाते हैं तो हेलमेट पहन के चलाइए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। मैडम, उन लोगों के लिए मैं ये अगर उनके लिए मैसेज कर रही हूँ कि अगर वे नहीं समझते तो फिर वे कभी नहीं समझेंगे, वो अपने लिए हानिकारक होंगे। एसपी महोदय, रेवाड़ी के आदेशानुसार जो कंपनी से जैसे गाड़ियां आती हैं उनसे अलावा जो बम्पर वगैरह जो लगाए हुए हैं उनको लेकर के एक अभियान जारी है। ये जब सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक जारी रहेगा, और चाहे इसके अंदर कोई भी आप पुलिस कर्मचारी भी क्यों ना हो, उनकी भी यातायात के नियमों की उल्लंघना करने वालों को उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और इसमें काफ़ी जो है अप्रोचें आई हैं, मगर हमने किसी की भी इस बारे में नहीं सुनाई थी, और ये आगे भी चल जारी रहेगा। दोपहिया वाहनों के लिए अगर कोई हेलमेट नहीं लगाता है तो पहली बार उनको चालान से के द्वारा समझाया जाएगा, दोबारा अगर ऐसे हरकतें करेंगे तो उनको गाड़ी उनके मोटरसाइकिल वाहन वगैरह दोपहिया इंपाउंड कर दी जाएगी। अक्सर देखने ताकि लोग हेलमेट लगाएं, सुरक्षित रहें। हम उनको जो है कि पेपर्स लगा करके अनाउंसमेंट करा करके प्रेस के द्वारा बाइट के द्वारा इनसे उन लोगों तक ये पहुँचाना चाहते हैं, बात पहुँचाना चाहते हैं कि वो अपनी सुरक्षा करें, अगर उनकी सुरक्षा है तो देश की सुरक्षा है।